अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आज़म फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक क्लिक करके जो भी आपकी फ़ोटो होगी, उसका जो कपड़े होंगे उनका कलर या फिर अपने बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, इसमें आपको यही बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी वीडियो के नीचे आ रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दे। से होगा ये कि जब मैं फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने चले जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में। यहाँ पे चले जाने के बाद आपने एक सॉफ्टवेयर लिखना है जिसका नेम है लाइट एक्स। इसका जो लिंक है वो अभी आपको एज इट इज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस लिंक को जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। ये आप एप्लीकेशन देख लें, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिसका आप बैकग्राउंड या फिर कपड़ों का कलर या फिर किसी भी किस्म का कलर चेंज करना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ये फ़ोटो पड़ी है, ये आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो। इसके जो कोट का आप कलर देख रहे हैं ये ब्लैक है। तो अभी इसको मैं कलर को चेंज करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से बड़ी ही आसानी से ये चेंज होगा। इसमें करने के बाद यहाँ पे नीचे जो निशान बना हुआ है ये छोटा सा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास सबसे नीचे स्प्लैश का, SPLASH। ये ऑप्शन आप बड़ी तसल्ली से देख लें, ये आ रहा होगा आपके पास, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस एटम को जो मतलब है, क्लिक करने के बाद आपने सिंपली बैक आके यहाँ पे जितना आपने कलर चेंज करना चाह रहे हो वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे करने के बाद उसके बाद आपने दूसरी साइड पे यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर देना, ये खुद ब खुद ही ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। अभी यहाँ पे एक जो छोटा टूल आ रहा है ये आपने यहाँ पे देखना है कि कितना जो है चेंजिंग रहेगी। ये आपने बचा लेना है कि आपके जो कपड़े हैं सारे वो सेट तरह से हो जाएँ और आपकी जो कोई और चीज़ जो है सेलेक्ट ना हो। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा कोट ही जो सेलेक्ट हुआ है। ये करने के बाद आपके पास नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इफ़ेक्ट्स का, ये आप देख रहे हैं। इस पर इफेक्ट पे क्लिक करके आपने आगे आके यहाँ पे थर्ड पे होगा कलर, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कलर कर देता हूँ। यहाँ से आप इसकी जो सेचुरेशन और इंटेंसिटी है वो बढ़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मैंने इस कलर का कोड कर दिया। या फिर उसके बाद आपने साइडों पर जितने भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं आप सभी से आप देख लें, आपको जो रंग अच्छा लगता है आप वही कलर जो है लगा सकते हैं। तो ये बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसान है। ये करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। जब आप ये करेंगे तो यही फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी बड़ी ही आसानी से। तो आप ये कुछ फ़ोटो इस तरह से देख पाएंगे, ये फोटो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दें इस वीडियो में।